नवंबर में स्टार्ट होने वाला फुटबॉल 2022 वर्ल्ड कप टूर्नामेंट मिडिल ईस्ट में होने वाला पहला ही नहीं बल्कि साल के इस मौसम में होने वाला भी पहला वर्ल्ड कप होगा। लेकिन इसे कतर में करने का फैसला इतना कॉन्ट्रोवर्शियल की वजह क्यों बना हुआ है, जिसके बारे में ये सवाल किए जा रहे हैं कि कतर ने इसके इनेकाद का हक आखिर हासिल कैसे किया, कतर में स्टेडियम्स बनाने वाले वर्कर्स के साथ आखिर सुलूक क्या किया जा रहा है, और क्या फुटबॉल वर्ल्ड कप के इनेकाद के लिए कतर आइडियल जगह है भी या नहीं। वर्ल्ड कप के फाइनल मरहला 21 नवंबर से 18 दिसंबर के दरमियान में हो रहा है, एक ऐसा वक्त जब कतर में आमतौर पर टेम्परेचर 25 सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है। लेकिन अगर टूर्नामेंट का प्ले ऑफ मरहला यानी कि फाइनल मैचेस जून और जुलाई में होते हैं जैसा कि हमेशा से होते हैं, तो मैचेस 40 सेंटीग्रेड से भी ज्यादा 50 सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर में खेले जाते और इतने गर्म मौसम में 90 मिनट का मैच खेलना प्लेयर्स के लिए बिल्कुल भी सिक्योर नहीं है। हालांकि कतर ने पहले गर्मियों में एयर कंडीशन स्टेडियम फाइनल करने के लिए आइडिया तो दिया था, लेकिन ये प्लान भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन भाई अगर सर्दियों में वर्ल्ड कप हो ही रहा है तो मसला क्या है। दरअसल नवंबर और दिसंबर यूरोपियन फुटबॉल क्लब के लिए बहुत ही ज्यादा बिजी मंथ्स होते हैं, और बहुत से प्लेयर्स को कतर में होने वाले फुटबॉल के वर्ल्ड कप मुकाबलों में अपने कंट्रीज की तरफ से खेलने के लिए वापस बुला लिया जाएगा। इसकी वजह से इंग्लैंड की प्रीमियर लीग, इटली की लीग और स्पेन की ला लीगा जैसी यूरोपियन लीग इंटरनेशनल टूर्नामेंट से एक हफ्ता पहले ही अपने मुकाबलों को सस्पेंड कर देंगी, और ये लीग फिर से ये टूर्नामेंट खत्म होने के बाद उन मैचेस को दोबारा से स्टार्ट करेंगे। 2010 में कतर ने फीफा की 22 एग्जीक्यूटिव मेंबर्स की कुरानदाजी जीत के वर्ल्ड कप के राइट्स आखिरकार हासिल कर ही लिए थे। कतर ने अमेरिका, साउथ कोरिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा बोली लगाई, और यूं कतर इस टूर्नामेंट की होस्टिंग करने वाला पहला अरब मुल्क बन गया। हालांकि कतर पे ये भी इल्जाम था कि इसने फीफा ऑफिशियल्स को अपनी बैक हासिल करने के लिए $3.7 मिलियन रिश्वत दी थी, लेकिन 2 साल की रिसर्च के बाद दोहा इन तमाम इल्जाम से बरी हो गया। फीफा के उस वक्त के चेयरमैन सिप ब्लेडर ने उस वक्त कतर की बोली को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। सिप ब्लेडर जिनके खिलाफ इस वक्त स्विट्जरलैंड में फ्रॉड और दूसरे करप्शन के इल्जाम के तहत मुकदमात भी चल रहे हैं। लेकिन खैर, कतर को ह्यूमन राइट्स वॉच की तरफ से भी इन फॉरनर्स मजदूरों के साथ मिसट्रीटमेंट करने के इल्जाम भी लग रहे हैं, जो कि वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन को फाइनलाइज कर रहे थे। लेकिन कतर का कहना है कि 2014 से 2020 के दौरान वर्ल्ड कप स्टेडियम पर काम करने वाले 37 वर्कर्स की मौत तो हुई है, लेकिन इनमें से 34 की काम करने के दौरान नहीं हुई। हियर कम्स द फन फैक्ट, क्या आप लोग जानते हैं कि फीफा वर्ल्ड कप पहली बार 1930 में यूरुग्वे में खेला गया था, मशहूर तरीन फुटबॉल टूर्नामेंट जो कि हर 4 साल बाद होता है, और इसमें 200 से भी ज्यादा कंट्रीज वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने के लिए रेस में शामिल हो जाते हैं। ब्राजील ने तमाम 20 टूर्नामेंट्स खेले और 5 जीते भी। जर्मनी ने वर्ल्ड कप के सबसे ज्यादा मैचेस खेले और सबसे ज्यादा गोल भी स्कोर किए। मिरोस्लाव क्लोज अपने वर्ल्ड कप करियर में 16 गोल्स के साथ गोल स्कोर में सबसे ज्यादा आगे हैं, और फ्रांस के जस्ट फोंटेन एक टूर्नामेंट में 13 गोल के साथ टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा स्कोरर हैं। लेकिन इस बार वर्ल्ड कप में कौन सी टीम खेल रही है और फेवरेट टीम आखिर है कौन। 2022 वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने वाले मैचेस का सिलसिला 3 साल पहले ही शुरू हो गया था। डिफरेंट कॉन्टिनेंट की टीम्स ग्रुप में खेली थी और टॉप टीम्स ने फाइनल तक क्वालिफाई कर लिया था, जबकि कुछ टीम ने प्लेऑफ के जरिए क्वालिफाई किया था। 2018 के वर्ल्ड कप का विनर फ्रांस इस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने में तो कामयाब रहा, जबकि यूरोपीय चैंपियन इटली इस रेस में फेल हो गया। फाइनल के लिए 32 टीम्स के 8 ग्रुप्स बनाए गए थे और हर ग्रुप में 4 टीम शामिल थी। एक ही ब्राजील की टीमों को अलग रखा गया था सिवाय यूरोपियन कंट्रीज के, जहां किसी एक ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा 2 यूरोपियन टीम शामिल हो सकती थी। तो इस बार ब्राजील, इंग्लैंड, फ्रांस और स्पेन इस वर्ल्ड कप के लिए फेवरेट जा रही हैं। देखा जाए तो कतर की आबादी महज 29 लाख की तो है, मगर ये अरब मुल्क तेल और गैस की एक्सपोर्ट की वजह से दुनिया का अमीर तरीन मुल्कों में से एक है। कतर ने इस वर्ल्ड कप के लिए खास तौर पर 7 स्टेडियम बनाए हैं और एक पूरा का पूरा नया शहर जिसमें इन फाइनल मैचेस का इनेकाद किया जाएगा। यहाँ पर 100 से ज्यादा नए होटल्स, एक नई मेट्रो और नई सड़कें भी बन रही हैं। टूर्नामेंट की ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का आइडिया है फाइनल मैचेस में 15 लाख तक लोग पार्टिसिपेट करेंगे। कतर एक कंजर्वेटिव मुस्लिम मुल्क है और फैंस को वार्न भी किया गया है कि वो इस बारे में बहुत ही मोहतात रहें कि कतर में इनका रवैया आखिर होगा कैसे। यहाँ पे शराब नोशी पर सख्त रिस्ट्रिक्शन जो हैं,
शराब आमतौर पर सिर्फ लग्जरी होटल्स में खरीदी जा सकती है। औरतों और कतर में होमोसेक्सुअलिटी भी इलीगल है। होमोसेक्सुअल फुटबॉल फैंस की नुमाइंदगी करने वाले ग्रुप्स अपनी गवर्नमेंट से इनकी सिक्योरिटी की भी जमानत कर रहे हैं, जबकि व्हील्स के कुछ फैंस का कहना है कि वो अपनी टीम के क्वालिफिकेशन के बाद टूर्नामेंट को ही बायकॉट कर देंगे। तो आज तक सिर्फ 8 मुल्कों ने ही वर्ल्ड कप जीता है, हालांकि 20 टूर्नामेंट्स तो हो ही चुके हैं। तो अब देखना ये है कि इन 8 कंट्रीज में एक और नंबर शामिल होता है या नहीं।